जी आरिफ भाई, ये बकरे का थोड़ा डिटेल बताइए। इसका वजन है 100 किलो है। 100 किलो जी, ठीक है। 100 किलो वजन पे बकरा होगा। ये नस्ल कौन सी है? ये कोटा नस्ल है। कोटा नस्ल का बकरा है, ठीक है। कोटा नस्ल का ये बकरा आएगा और 100 किलो इसका वजन होगा। दांत पे क्या होगा? दांत है 40 इंच हाइट है। 6 दांत पे है 40 इंच इसकी हाइट है। इसकी डिमांड बताना चाहेंगे आप? नहीं भाई, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से ये बहुत गर्म बकरा है और वाइट मार्बल सिंग पे और गुलाबी चमड़ी पे बकरा है माशाल्लाह से, और 6 दांत पे बकरा रहेगा। डिमांड आपकी पर्सनल में बताएंगे आरिफ भाई। जिस किसी भी भाई को ये बकरे पसंद आए, आरिफ भाई से ज़रूर संपर्क करें। खुड़ेल में इनका रहवास है। सारे बकरों की मैंने डिटेल और ओवरव्यू आपको दे दिया है। आरिफ भाई का नंबर मैं पॉपअप स्क्रीन पर डाल दूँगा। जिस किसी भी भाई को इनके बकरे लेना है, इनसे संपर्क। तो ये कुछ और बकरे हैं, तो इनकी भी हम लोग डिटेल ले लेते हैं आरिफ भाई से। जी आरिफ भाई, ये कोटा नस्ल का बकरा है ना? जी भाई। तो इसकी इसकी डी जी, ये 6 दांत में है जी। 35-36 इंच हाइट है बकरे की। 80 किलो वजन है भाई। और इसकी क्या डिमांड रहेगी? डिमांड तो भाई फोन पे पर्सनल में बताएंगे, ठीक है। आरिफ भाई कोई सी भी बकरे की डिमांड अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। जिस किसी भी भाई को ये कोटा बकरा पसंद आए, डिटेल आरिफ भाई ने बता दी है, जरूर संपर्क करें। चलिए एक बकरा और दिखाते हैं आपको। जी आरिफ भाई, ये कौन सी नस्ल है? ये मालवा में ही है। मालवा में ही है माशाल्लाह। इसकी झालर बहुत प्यारी है। ये झालर, गला पट्टी, फर बहुत बढ़िया है इसके। थोड़ी ये बीटल बीटल तरह बीटल की तरह सिंग लाया है ये। मालवा क्रॉस बीटल हो सकता है ये, है ना? ठीक है। तो ये क्या डिटेल पर रहेगा आरिफ भाई? ये 100 किलो है। 100 किलो का दांत पे? दांत पे पूरे हो गया, पूरे दांत पे हो गया, ठीक है। और इसका वजन कितना होगा? वजन है इसमें भाई 100 किलो। 100 किलो, अच्छा, हाँ ठीक है। 100 किलो, ठीक है। इसकी भी डिमांड आप पर्सनल में बताएंगे? हाँ जी भाई, ठीक है। ये 2 बकरे और मैंने आरिफ भाई के बनाए हैं, तो ये बकरे भी अगर किसी को पसंद आए तो आरिफ भाई से ज़रूर संपर्क करें। हाइट, वेट और दांत मैंने आपको बता दिए हैं आरिफ भाई से पूछकर। जिस किसी भी भाई को ये बकरे समझ में आए, आरिफ भाई से ज़रूर संपर्क करें। तो आरिफ भाई, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो लोग सब कमेंट में पूछते हैं कि इन बकरों की खुराक क्या रहती है? भाई इनको गेहूं चने खिलाते हैं ज़्यादा करके हम। गेहूं चने? अच्छा, मतलब दिन से रात तक के क्या रूटीन रहता है इनका? किस तरह से इनकी भराई होती है? इनकी भराई तो एक टाइम ही होती है। एक टाइम ही होती है? दो टाइम खिलाते हैं, दाना एक टाइम खिलाते हैं। ठीक है। तो ये एक जनरली एक बकरा कितना दाना खा लेता है इतना बड़ा होने के बाद? बकरा 2 किलो भी खा लेता है, कोई 1.5 किलो, कोई 1 किलो। तो बकरे के हिसाब से दाना खिलाना पड़ता है बकरा के हिसाब से। मतलब 1 किलो के ऊपर ही खाते हैं? 1 किलो से ऊपर ही खाते हैं। ठीक है भाई, अगले साल के लिए कोई आपने रखे हैं? जी है ना भाई। तो बकरे दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, तो चलिए वो देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कोई 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 भाई अगर पलाई पे आपके पास बकरे रखना चाहेगा? अभी चक्के तो नहीं रखे भाई, बाकी अब रखना अगर रखवाना चाहेगा आपके बकरे माशाल्लाह देख कर कोई चाहेगा, तो पलाई के रेट क्या रहेंगे? पलाई के रेट तो जो भी होंगे बकरे के हिसाब से रहेंगे, है ना, महीने के हिसाब से, ठीक है। तो वो बकरे दिखा दी। जी भाई, कौन सा वाला है? ये बकरा अगले साल के लिए, इंशाल्लाह अगले साल आकर इसकी अपन लोग रिपोर्ट देखेंगे। आरिफ भाई, 2 दांत पे जी, नस्ल मालवी है, ठीक है। इंशाल्लाह इस बकरे का अपन अगले साल रिजल्ट देखेंगे, आरिफ भाई ने इसके क्या रिजल्ट दिया है। और कौन सा बकरा भाई? चलिए ये
माशाल्लाह आप चीजें तो नया भी लेकर आते हैं, ये भी बिल्कुल व्हाइट सिंह पे और गुलाबी बच्चा है आपका, ये नर है कि खस्सी है? खस्सी है, ठीक है। ये भी मालवई है? मालवई है, ठीक है। इसका भी अपन रिजल्ट अगले साल इंशाल्लाह आरिफ भाई के पास आकर देखेंगे, हम लोग इसकी वीडियो भी अगले साल भी डालेंगे ताकि के समझ आ सके लोगों को कि अरिफ भाई का रिजल्ट क्या तरीके से। ठीक है अरिफ भाई, आपने हमें बुलाया और आपने इतनी अच्छी चीज़ दिखाई, आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।